अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। प्रवास योजना के द्वारा मध्य प्रदेश में 8 दिन से प्रवास कर रहे हैं। मेरे को देवास विधानसभा का प्रवास का काम मेरे लिए दिया गया था। मैं किसी का काम कैसे चल रहा है, किसको टिकट देना है, ये हमारे किसी विधायक का काम नहीं है। हम यहाँ पे हैं और ये हमारी बहन ने सबने बताया है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी का काम और 20 सालों का अगर मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात की जाए और केंद्र की सरकार की बात की जाए तो केंद्र में 55 साल करीबन कांग्रेस की सरकार चलती थी, 9.5 साल की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और 4.5 साल की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो 55 साल और 13.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही और मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज बाबूजी की सरकार 20 साल रही। पहले जब हम नासिक से मध्य प्रदेश में आते थे तो मध्य प्रदेश को हम कब कैसे पहचानते थे, जब खड्डे वाले रास्ते आते हैं तो हम पहचान लाते थे कि अभी मध्य प्रदेश की शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी हम नासिक से यहाँ पे आए, 4 साल पहले भी हम कुंदौर में आए थे, तो जहाँ से कॉन्क्रीट वाली अच्छी सड़कें शुरू हो जाती हैं वहाँ से मध्य प्रदेश की शुरुआत हो जाती है। ये पहचान मध्य प्रदेश की सरकार ने आज भारतवर्ष में करवाई। मामूजी की बात में बताना चाहिए तो मेरे भाइयों ने बहनों ने सबने रखा है और केंद्र सरकार के बारे में भी रखा है। केंद्र सरकार की अगर बात रखना हो और 20 साल की मध्य प्रदेश की सरकार की बात रखना हो पूरी, तो मेरे को लगता है कि हम भागवत सप्ताह करते वैसा एक सप्ताह पूरे केंद्र सरकार की सभी योजनाएं आपके सामने रखने के लिए लगेगा और मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं जो उसके बारे में भी एक पूरा सप्ताह चला जाएगा। भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, मेरे ऊपर महाराष्ट्र में से सरकार की सभी योजनाएं पहुंची हैं क्या, केंद्र सरकार की सभी योजनाएं नीचे तक पहुंची हैं क्या, हमारे पार्टी का संगठन ऐसे यहाँ पे कैसे तौर पे काम कर रहा है, मेरे को आनंद और खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के हमारे देवास जिले के हमारे अध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल जी का, हमारे MP साहब श्रीमान महेंद्र सिंह सोलंकी जी का, हमारी राजमाता गायत्री माता जी का, हमारे चौधरी जी का, मैं सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि अब मेरा विश्वास हो गया है, क्योंकि मैं 40 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ तो मैं देवास का प्रवास करते करते 5 ही विधानसभा का मैंने पूरा स्टडी कर लिया है और ये देवास जिले में पूरा कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश में होने वाला है, कांग्रेस मुक्त देवास होने वाला है। इस देवभूमि में रावणों का कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि हमारे विधायकों ने, हमारे सांसद ने, हमारे संगठन ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे खड़ा किया। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के बलबूते पे इलेक्शन लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से अब तैयार है। मैंने विधानसभा की मीटिंग ले ली, मंडलों की हमारी मीटिंग हो गई, बूथ प्रमुखों के साथ मेरी वार्ता हो गई, शक्ति केंद्रों की हमारी बात हो गई और मेरे को यहाँ पे आनंद होता है कि राजीव खंडेलवाल जी का मैं और हमारी टीम का मैं पूरी ओर से अभिनंदन करूंगी कि यहाँ के इस जिले में जो 1000 बूथ है वो बूथ की समितियां, बूथ के अध्यक्ष, बूथ के पदाधिकारी पूरी ओर से बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बूथ तक रुकी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में देवास जिले में 15 प्रमुख भी कर दिए गए। और वंदन और आप सभी का अभिनंदन। करीबन 8 दिन मेरे को इस मध्य प्रदेश में आते हुए हुआ है। अभी इस पत्रकार वार्ता में हमारे भाई यहाँ के सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी ने आपसे वार्ता की, हमारे देवास जिले के अध्यक्ष जो संगठन में बहुत तुकोजी महाराज ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया हुआ है, उन्होंने बेस बनाए रखा है। मैंने सुना कि तुकोजी महाराज ने यहाँ ट्रेन से पानी लाया था, देवास में पानी का बहुत प्रॉब्लम था लेकिन आज मध्य प्रदेश की सरकार में हमारे देवास की विधायक गायत्री महाराज राज्य के नेतृत्व में, हमारे सांसद
महेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश की सरकार ने पानी का जो देवास का प्रश्न था वो छुड़वा दिया है। हर घर में आज पानी बरसता, हर घर में आज पानी बरसता, खेती में अब देखे देश को बीमारू राज्य ले जाकर खड़ा करते हैं, इस तरह से आपका कहना था। लेकिन कांग्रेस का एलिगेशन है कि भाजपा की जो सरकार है वो घोटाले की सरकार है, क्या कहेंगे? भाजपा का एक घोटाला कांग्रेस आगे ला दे, कांग्रेस सिर्फ घोटाला घोटाला करती है, कांग्रेस घोटाले में से वो पैदा हुई है। आप देखते हो कि भारत को 75 साल होने के बाद आज कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कोई दूसरा आदमी को करने पाई है, जो परिवार को खुद को छोड़ती नहीं हो जनता के लिए क्या करेगी। और आप देखते हैं कि 2014 में भारत देश के लोगों ने पूरी तरह से कांग्रेस को क्यों हराया था, आज भी आप देख रही है कि कांग्रेस केंद्र की सरकार का आप देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विरोध में आज कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती है, इसलिए कांग्रेस विपक्ष का गठबंधन करती है। मैम मैम बात मध्य प्रदेश की करेंगे, मैम मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से पटवारी घोटाला जो है चर्चाओं में, निश्चित रूप से पटवारी घोटाले पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लिया और उसकी जांच कमेटी चार आईपीएस के साथ कमेटी बनाई है और कमेटी जांच कर रही है, जो भी घोटालेबाज होगा उसको सजा दी जाएगी। मैडम आपने 2014 में आपने से कांग्रेस को रावण की संज्ञा दी, आपने 6 साल अध्यक्ष जी एक सेकंड मैडम, आपने प्रेस वार्ता में कांग्रेस को रावण की संज्ञा दी है, क्षेत्र से रावण आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस आज इस देश में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बता रहे थे कि कांग्रेस ये जलता हुआ घर है और वो जलता हुआ घर जो है वो देश को जलाने का ही काम कर रही है। 55 साल उनको देश के लोगों ने दिया था, उस 55 सालों में उन्होंने देश की जनता के लिए क्या किया वो जनता के सामने पहले रखे। आज मोदी जी सरकार ने 9 साल में क्या किया, तो मोदी जी 9 साल का उनका पूरा जो काम है ना वो लोगों के सामने रख रहे हैं। और इसीलिए हमारा कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार जब कांग्रेस में थी ना तो कांग्रेस वह रखे, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इतना काम किया है कि आज जनता आप निकाल के बाद देख लोगी कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में मामा जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी। आपने आम जनता से मुलाकात की है सभी के दौरान, उन्होंने आपको क्राइम या नशे के विषय में नहीं बताया है? ये देखो क्राइम और नशे को कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जो है काम कर रही है। आज हम देखते हैं कि आज जो नशे का काम देवास की बात कर जो कांग्रेस में नशे का व्यापार करते थे वो आज भाजपा में आए। सुनिए, कोई भी नशा में जो भारतीय जनता पार्टी में आया होगा तो वो नशा का काम नहीं कर पाएगा। और नशा की बात अगर आप बोलते होंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि आज राष्ट्र स्तर पे वो जो बाकी नशा वाले पदार्थ जो है उसमें बहुत ऐसे देश है बाहर के देवास में, और पिछले सप्ताह आपके एक पदाधिकारी को रतलाम पुलिस उठा के लगी गांजे केस में। सुनिए, राजमाता जी का पूरा ध्यान देवास में है, वो देवास की माँ है और देवास की माँ अपने बच्चों की तरफ अच्छी तरह से देख रही है, कहीं नशा चालू होगा तो वो भी बंद करवाएंगे। सांसद जी को सोशल मीडिया पे आना पड़ा इसके लिए। देवास की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज 1 लाख से ज्यादा वोट।